शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कोहराम मचाया है। ताजा मामला सिवान जिले से आया है। सिवान जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोड़िया वैश्य टोली में 6 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की चर्चा गांव में हो रही है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। मृतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। SDPO राकेश रंजन, थाना अध्यक्ष रामा शंकर शाह, इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार सहित पुलिस बल मौत की सूचना के बाद गांव में कैंप कर रही है। पुलिस अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है। SDPO ने बताया कि मौत कैसे हुई है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा। ग्रामीण शव रख थानेदार को हटाने की मांग कर रहे हैं। बता दें बिहार के छपरा में साल 2023 के दिसंबर महीने में जहरीली शराब कांड हुआ था। मशरख में 73 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर बिहार सरकार ने विशेष टीम बनाई थी। जांच में कई खुलासे हुए थे। बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ADG जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा था कि जिस शराब से मौत हुई है वो जानलेवा थी। शराब निर्माण में केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में केमिकल भी बरामद की थी जो शराब बनाने में उपयोग किया गया था। इस मामले में 153 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया था। इस घटना से बिहार में पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार तक हड़कंप मच गई थी।